हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल वेन एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वेयर एक्स इक्वल टू लेंथ एंड वाई इक्वल टू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड करना रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर में जो चेंज है उसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे उसे, उसके लिए हमें क्या दिया गया है। पहली बात यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर उसका फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फार्मूला होता है 2l + b, 2l + b होता है। और यहाँ पे लेंथ को क्या माना गया है, यक्स माना गया है, तो यहाँ पे हम लेंथ के प्लेस पे यक्स लिख देंगे और ब्रेथ क्या माना है, वाई, तो यानी 2x + y। हमें ये दिखाना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले को। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे पी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन रेट है या टाइम के रिस्पेक्ट में, dp अपॉन dt इक्वल टू 2x + y। इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ से ये हो जाएगा dp/dt और 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d/dtx + dy/dt। अब यहाँ से हमें फाइंड कर dx/dt। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ, यानी हमें यहाँ पे दिया गया डी हो गया और लेंथ हमारा यक्स है, यानी dx/dt दिया गया है और डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स माइनस का साइन लगाएंगे, इंक्रीजिंग यानी प्लस और डिक्रीजिंग यानी माइनस, कितना माइनस है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे दिया गया है कि विड्थ इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो विड्थ हमारा वाई है, dy/dt क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग यानी प्लस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, हमें यह दिया गया है। उसके बाद हमें फाइंड करना है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 हो गया और dx/dt की वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे और dy/dt की वैल्यू क्या है, +2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 + 2 - 1, तो कितना आ जाएगा, -2, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। तो यही क्या हो गया इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट या टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे डेली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।